बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी जाननी की यहाँ पे ये सब चीजें आई कैसे हैं। राम शिव और विष्णु लिखा हुआ। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग। तो गाइज ये है जूक के नए जूक का बीट ईयरफोन्स। इनको मैं 2 दिन से यूज कर रहा हूँ। इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ऑसम है यार। और सबसे अच्छी चीज है कि बाकी वायरलेस ईयरफोन्स के मुकाबले ये काफी सस्ता है। लगभग 1000 रुपए में आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। ये 1 से 2 घंटे में चार्ज हो जाता है और उसके बाद 4 से 5 घंटे तक आप आराम से सॉन्ग प्ले कर सकते हो। इसमें माइक भी है तो आप इसको वॉइस कॉल के लिए भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप एक बहुत अच्छा सा वायरलेस ईयरफोन ढूंढ रहे हो और बहुत ही कम प्राइस में, तो आप जूक के अपबीट्स ईयरफोन्स ले सकते हो। इसका अमेजोन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो। फॉर नाउ एंजॉय द वीडियो। मॉस्को के मुकाबले में ये काफी ज्यादा हैपनिंग है सेंट पीटर्सबर्ग। यूरोप के अंदर आता है और यूरोपियन कंट्री जो फिनलैंड है वो यहाँ से केवल 300 किलोमीटर दूर पड़ती है, बल्कि यहाँ से ट्रेन जाती है वहाँ की कैपिटल तक। पीटर्सबर्ग को वेनिस ऑफ द नॉर्थ भी कहते हैं। और यहाँ पे मतलब माहौल बहुत अच्छा बन रखता है, गाने वाने बजते रहते हैं, लोगों की भीड़ भाड़ रहती है। तो यार अब हम जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, द चर्च ऑफ द सेवियर ब्लड। आप यहाँ पे अपना मुंह घुसा के फोटो खींच सकते हो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में। अगर आपको टिकट खरीदनी है तो यहाँ पे ये मशीन बनी हुई है इस टाइप से, और ये मशीन कैश और कार्ड दोनों लेती है। टिकट था 300 रूबल का। यहाँ कैमरा अलाउ कर दिया है, मुझे लगा कैमरा अलाउ नहीं करेगा। इस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ द सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड। इस चर्च का निर्माण अलेक्जेंडर 3 ने अपने पिता की याद में 1883 में करवाया था। इस चर्च को बनाने में 24 साल लगे और ये 1907 में बनकर तैयार हुआ। और विश्व युद्धों के दौरान इस चर्च में शहीद हुए सैनिकों की लाशें रखी जाती थी। काफी टूरिस्टिक टाइप की जगह है। एक्चुअल चर्च नहीं है ऐसे, रनिंग चर्च, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर रखा है। या मॉस्को में चले जाओ, सेंट पीटर्सबर्ग पे चले जाओ, या बल्कि मॉस्को के आसपास जो छोटी छोटी सिटीज है ना वहाँ भी चले जाओ। मतलब इतने ज्यादा चर्चेज, इतने मॉन्यूमेंट है ना कि आप भी थोड़े टाइम बाद बोलोगे कि यार कितना घूमूं कितना घूमूं। देखो ये कनाल टूर घूम हो रहा है यहाँ पे, और इस वीडियो में आगे जाके आपको मेरा कनाल टूर भी देखने को मिलेगा। देखो ये बाहर बिक रहा है, ये डॉल है, रशियन डॉल्स हैं शायद, यहाँ फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह है। और इसके बाद मैं गया सेंट इजाक्स कैथीड्रल, जो कि इस चर्च से केवल 1.8 किलोमीटर की दूरी पे है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि सेंट पीटर्सबर्ग का सिटी सेंटर वाला एरिया हमेशा लोगों से भरा पड़ा रहता है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिस्ट, शॉपिंग करते और चिल मारते लोग नजर आएंगे। और थोड़ी देर की वॉकिंग के बाद मैं पहुँच गया सेंट इजाक्स कैथीड्रल। टिकट है 350 रूबल की टिकट जैसे वहाँ पे थी, और ये 200 रूबल की दिखा रहा है कॉलोनेट की, मतलब ऊपर जाके पैरानोमिक व्यू। तो यार मैंने म्यूजियम छोड़ के केवल ऊपर पैरानोमिक व्यू देखने के लिए छत की टिकट ले ली, जो केवल 200 रूबल की थी। इस मशीन को यूज करना बेहद इजी है, इसमें रशियन के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी अवेलेबल है। अंदर पहले टिकट मिल चुका है, अब चलते हैं ऊपर छत पे। ऊपर बहुत अच्छा व्यू होगा यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग का, और पीछे देखो आप व्यू कितना सही आ रहा है यहाँ पे। और इस व्यू को देखने के बाद मुझे पता लगा कि सेंट पीटर्सबर्ग को रशिया की सबसे खूबसूरत सिटी क्यों कहा जाता है। मतलब सही में यार, किसी शहर को ऊंचाई से देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। ये जगह सच में औसम है यार, आप यहाँ से पूरे शहर का 360 डिग्री व्यू ले सकते हो। सामने ये चर्च वगैरह बने हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, कितने सारे बने हुए, एक वहाँ है, वहाँ है, एक वहाँ दिखाई दे रहे हैं जो गोल्डन गुंबद वाले हैं। डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आने के लिए आपको। आप चाहो तो ये बग्गी बग्गी भी कर सकते हो, लोग आ रहे हैं यहाँ से बग्गी से। और इसके बाद मैं अपनी पेट पूजा करने पहुंचा सस्ते जुगाड़ बर्गर किंग के पास। यहाँ पे बर्गर किंग में पहली बार ट्राई करके देखते हैं। चिकन बर्गर, 1 कोल्ड कैपेचिनो। मैंने लिया है 1 कोल्ड कॉफी और 1 चिकन बर्गर। ये मेरे को पड़ा है 175 रूबल का, लगभग सेम रेट है मैकडोनल्ड्स और इसका।
next then. Good morning, bhai logo. और आज मैं घूमने जाने वाला हूँ यहाँ की दो सबसे top rated places. और भाई पहुँच गए हैं यहाँ पे पैलेस स्क्वायर में. सामने दिखाई दे रहा है ना, ये है पैलेस स्क्वायर एरिया. पैलेस स्क्वायर रशिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है. यह जगह एक खूनी नरसंहार और अक्टूबर क्रांति की गवाह भी है. ये जगह चारों तरफ से विंटर पैलेस से घिरी हुई है. ये सेंट पीटर्सबर्ग का सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक इलाका है. मौसम अभी सितंबर का टाइम चल रहा है तो आपको यहाँ पे लोग कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यही आप समर्स में आओगे तो ये पूरा भरा पड़ा मिलेगा आपको पूरी तरीके से. ये एक चीज़ अच्छी है, इसी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग बहुत ज़्यादा मतलब लाइवली रहता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे आर्टिस्ट आपको परफॉर्म करते दिख जाएंगे ना सड़कों पे. यार अब मैं इधर अंदर पहुँच चुका हूँ विंटर पैलेस के अंदर. यहाँ भी भैया टिकट का काउंटर बना हुआ है भाई, 700 रूबल की टिकट है. तो भाई लोगों अब हम आ गए पैलेस के अंदर. सन 1732 से 1917 तक विंटर पैलेस रशिया के राजाओं का ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता था. काफी सुंदर बना हुआ है. विंटर पैलेस 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है. इस पूरे महल में 1,057 हॉल्स और कमरे हैं, और इस शानदार महल को रशियन एम्पायर के पावर सिंबल के रूप में भी देखा जाता है, जिसने 19वीं शताब्दी के अंत तक दुनिया के 1/6 से भी ज्यादा एरिया में राज किया था. अब हम अंदर आ गए. ये पिक्चर बनी हुई है जीसस क्राइस्ट. तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस लगी हुई हैं. सन 1730 से 1837 तक विंटर पैलेस में कई बार बदलाव हुए. पैलेस स्क्वायर में कुल 5 विंटर पैलेस हैं. पहले विंटर पैलेस की नींव पीटर द ग्रेट ने 1711 में रखी थी. आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ. यहाँ पे ये एक इमेज लगी हुई है, यहाँ राम शिव और विष्णु लिखा हुआ है. और पेज फ्रॉम रशियन ABC. ठंड के समय जब बाहर का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता था, तब विंटर पैलेस में चिमनियों और लाइट्स की मदद से गर्मियों जैसा आरामदायक माहौल बनाया जाता था. और इसके बाद मैं इस महल के म्यूजियम में गया, जहां बहुत सारे सरप्राइजेस मेरा इंतजार कर रहे थे. और यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को अभी दिखाई दे रही है, 13th सेंचुरी की ये मम्मी. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये मेरे को नहीं पता कि ये इजिप्ट की चीज़ें यहाँ पे कैसे आई रशिया के अंदर. लेकिन पूरे म्यूज़ियम में सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था, फिर मैं इस म्यूज़ियम में घुसा और यहाँ पे मेरे को मम्मीज़ वगैरह दिखाई दे रही हैं. यार ये देखो आप, 7th सेंचुरी BC की मम्मी है यार. और ये जो सामने दिखाई दे रहा है 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी BC की, ये जो कॉफिन होते थे ना ताबूत के ऊपर के ये ढक्कन है. ये मतलब ये तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है कि रशिया के अंदर आके आपको इजिप्ट का सामान देखने को मिल रहा है. और ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जाननी कि यहाँ पे ये सब चीज़ें आई कैसे. तो ये कैट का स्टैचू है, और ये पुराने कुछ स्टोन है ये. और ये देखो सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये 4th सेंचुरी पुराना, आप देख रहे हो मिड 4th सेंचुरी BC का ये टॉम्ब है, ये पिरामिड टाइप का. विंटर पैलेस का इजिप्शियन म्यूजियम 1852 में स्टार्ट हुआ था. तो यार इस म्यूजियम का सारा सामान रशियन ट्रेडर्स, इजिप्शियन ट्रेडर्स और 11 डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट से खरीदा गया है और गिफ्ट में मिला है. और ये है इस म्यूजियम की सबसे यूनिक चीज, इसी इजिप्शियन किंग की प्रिजर्व की हुई बॉडी. और इसके बाद मैं जा रहा था रिवर क्रूज करने के लिए, तभी मैंने रास्ते में इन बाइकर्स को देखा. शुरुआत में लगा यहाँ पे कोई रेस हो रही है, लेकिन बाद में पता लगा कि ये एक रशियन बाइकर्स का ग्रुप है जो कि हर साल इस तरीके के ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करता है. धूप थोड़ी सी खिल चुकी है अभी, और शाम के लगभग 4 बजे हैं. मैं रिवर क्रूज करने के लिए आया हूँ यहाँ पे. और ये जो रिवर दिख रही है ना आपको, ये इसका नाम है नेवा रिवर. अभी मैं जाके प्राइस पूछता हूँ कितने का है, फिर क्रूज़ करते हैं. सेंट पीटर्सबर्ग में आए हो आप, रिवर क्रूज़ करे बिना चले जाओगे तो मतलब गलत हो जाएगा फिर. तो यार क्रूज़ के चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आप कितनी देर तक क्रूज़ करना चाहते हो, किस लैंग्वेज में आप ऑडियो टूर चाहते हो. रशियन लैंग्वेज में जो टूर्स हैं वो सस्ते होते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज के महंगे होते हैं. टिकट खरीद लिया, 800 रुपये की टिकट पड़ी है.
इनका कोई रूट वगैरह है, लगभग एक डेढ़ घंटे की क्रूज होती है। अब यहाँ पे बहुत सारी बोट्स की कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है आपको ये, वैसे ही वहाँ पे आप देख रहे होगे एक बना हुआ है। तो इस टाइप से रिवर के आप साथ साथ चलोगे ना तो बहुत सारी कंपनीज दिखाई दे जाएंगी आपको, तो आप चाहो तो किसी से भी करवा सकते हो, रेट लगभग सेम होते हैं इनके। तो यार इस क्रूज़ में आपको एक कंबल दिया जाता है और आपके पास बैठने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप बाहर खुले में बैठ जाओ जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, या फिर नीचे कैबिन्स भी हैं तो आप अंदर जाके कैबिन में भी बैठ सकते हो। और क्रूज के बाद अपने हॉस्टल जाते समय मुझे ये कृष्णा के डिवोटीज दिखाई दिए, और अपने देश के बाहर अपने देश की संस्कृति देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और जाते जाते नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज़ूक अपबीट्स ईयरफोन को चेकआउट करना ना भूलें।